नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिस शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें अभी काफी कम मोमेंटम देखने मिला है, तो आने वाले समय में आपको जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा। ये स्टॉक पहले बोनस दिया था, तो बोनस के बारे में हम डिस्कस किए थे। आप देखिए इस स्टॉक के बारे में हम यहाँ डिटेल पर पहले चार्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्राइस जो है मात्र यहाँ पर 5 रुपीज था, और 5 रुपीज से देखते हैं ये स्टॉक लगातार एक नया हाई बना, और यहाँ पर ये स्टॉक 165 रुपीज का, और वहां से स्टॉक में गिरावट आया। फिर देख सकते हैं 84 रुपीज तक ये स्टॉक गिरा, और यहाँ से ये फिर से कमबैक किया और अपना ये जो रेसिस्टेंस है 165 का उसको ब्रेक किया। और यहाँ पर मैंने टारगेट भी बताया था कि आपको 240 तक का टारगेट मिल सकता है, जो कि टारगेट यहाँ अचीव हुआ, क्योंकि ये जो रेंज था इस रेंज को ब्रेक किया था। मिनिमम टारगेट हमारा इस रेंज का उतना ही बड़ा रेंज मिलेगा। यहाँ देखते हैं 80 रुपीज का ये रेंज था, और यहाँ पर आप 80 जोड़ दीजिए 165 में 80, तो लगभग ये टारगेट यहाँ पर 240 का अचीव हो चुका है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें, देखिए चार्ट कितना अप ट्रेंड है। देख सकते हैं चार्ट यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड चार्ट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इसका चार्ट इसी तरह का चार्ट लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में रहने वाला स्टॉक है, तो हर गिरावट पर ये बाय है। अगर अभी फिर से ये 160 के ये जो अब सपोर्ट का काम करेगा, ये जो पहले रेसिस्टेंस था 165, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो 170-160 के बीच अब कभी भी ये स्टॉक आ जाए तो इसे जरूर इन्वेस्ट करिएगा। चार्ट काफ़ी सॉलिड है। तो हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स हमें क्या कहता है। तो देखिए मार्केट कैप है 6,266 करोड़ का, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। जैसा कि इस सेक्टर में आपको ज़्यादातर कंपनियाँ जो है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप ही मिलेंगी, क्योंकि इस सेक्टर में कोई बड़ी कंपनी बहुत ही कम है। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट अगर करेक्शन करता है, मार्केट में गिरावट होती है, तो ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आपको गिरेगा। जैसा कि मैंने आपको सपोर्ट लेवल भी बता दिया कि 160 और 170 के बीच आता है, तो अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर मार्केट में कभी गिरावट आता है तभी आपको मिलेगा उस रेंज में, अदरवाइज यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जब ब्रेकआउट दिया है काफ़ी लंबे समय का ब्रेकआउट था। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.11% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%। देखिए इस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक जो है आपको डेट वाले मिलेंगे, जिस पे काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, जिस कारण कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड और रिटर्न इक्विटी काफ़ी ज़बरदस्त है। डेट इक्विटी देखिए कितना कम है, 0.37, और वही टोटल डेट की बात करें तो 729 करोड़ का है, जो कि नेट प्रॉफिट जो एनुअल प्रॉफिट उसके लगभग 2 टाइम्स से भी कम है। तो इस सेक्टर में डेट तो हर कंपनी के पास होगा, किसी किसी कंपनी के पास काफ़ी कम डेट है, किसी के पास काफ़ी ज़्यादा डेट है। तो जिस कंपनी के पास काफ़ी कम डेट है, अगर डेट फ्री है तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो 1912 करोड़ का रिजर्व है, और साथ ही साथ कंपनी जो है 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड है। प्रमोटर का स्टेक 55% का है, तो प्रमोटर का बिहेवियर जो है कंपनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अगर प्रमोटर अच्छा है, निश्चित है उस कंपनी में अगर ग्रोथ होता है तो हमें एक बेहतरीन रिटर्न देखने मिलेगा। अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रमोटर का स्टेक देख सकते हैं कांस्टेंट मिल जाएगा, 55% लगभग ये कांस्टेंट है। इसमें FIIs का स्टेक की बात करें तो FIIs का स्टेक 2% के आसपास है, काफ़ी कम है, और DIIs का स्टेक 32% है, काफ़ी ज़्यादा है DIIs का स्टेक, और वहीं पब्लिक का स्टेक जो है 10% है। देख सकते हैं इस तरह के बेहतरीन स्टॉक में आपको काफ़ी कम मिलेंगे आपको। वहीं जब रिलायंस इंफ्रा की बात हो उसमें देखिए पब्लिक का स्टेक ही सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें प्रमोटर्स नहीं रहेगा, जो कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं होगी, जो कंपनियां डेट फ्री नहीं होगी, उसमें पब्लिक का स्टेक आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह के जो बेहतरीन स्टॉक है उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर, ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करें, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, तो ये सारे सेक्टर आने वाले समय में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको इस सेक्टर के जो लीडर कंपनियां हैं, जो डेट फ्री कंपनियां हैं, जिस कंपनी का बिजनेस में पकड़ है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसके साथ रहना है। अब कैश फ्लो की बात करें तो देखिए कैश फ्लो भी कंपनी का लगातार 2 साल से पॉजिटिव चल रहा है, तो कैश फ्लो पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी हम कंपनी को मानते हैं कि कंपनी में आने वाले समय में ग्रोथ दिख सकता है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का शेयर कैपिटल यहीं पे इंप्रूव हुआ है। देखते हैं बोनस शेयर के कारण शेयर कैपिटल जो है कंपनी का इंप्रूव हुआ है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर बोनस दी थी 1:2
टू वन का, तो 1:1 के कारण जो शेयर कैपिटल है वो दोगुना हो गया, क्योंकि आपको उतना ही बोनस शेयर फ्री मिला तो उतना शेयर कैपिटल बढ़ गया कंपनी के पास। अब वही रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास 1912 करोड़ का हो चुका है, जो कि देश में लगातार रिजर्व इंक्रीज हुआ है। वही बोरोविंग की बात करें, मतलब जो डेट है, यहाँ पर डेट काफी बार बढ़ा है और 2015 से डेट लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, कभी थोड़ा सा बढ़ा कभी थोड़ा सा घटा, तो डेट जो है लगभग कांस्टेंट है कई सालों से। तो मतलब जो भी पैरामीटर देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन है। जैसे इस सेक्टर का समय आता है, मतलब जब ये सेक्टर बूम पे होगा उस समय आपको ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा। कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स की बात करें तो यहाँ सेल्स देख लीजिए 2010 में था 899 करोड़ का, और जो कि लगातार यहाँ पर बढ़ते घटते रहा है। लेकिन यहाँ पर आइए 2016 से तो सेल्स में लगातार जंप देखने मिला और अभी 3000 करोड़ का हो चुका है, तो सेल्स भी काफी जंप हुआ है। पिछले 10 सालों में सेल्स लगभग 3 गुना हो चुका है। वहीं प्रॉफिट की बात करें 66 करोड़ का था, 66 करोड़ से बढ़कर के 407 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो प्रॉफिट में तो और 6 times का जंप है, 3 times का रेवेन्यू में तो 6 times का प्रॉफिट में। हर पैरामीटर पे कंपनी आपने देखा काफी सॉलिड है, तो आप कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करें। ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जब आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।